आप मदद कीजिए, हमारी बहुत दर्द हो रहा है। मदद करो, हमारी बहुत ये क्या हुआ इसे? कहीं मर तो नहीं गया? शहजादे ने आज रात तक इसे जिंदा रखने के लिए बोला था। अगर इसे कुछ हो गया तो हमें सूली पे चढ़ा देंगे। खोल, जल्दी खोल। उठ, उठ, उठ। जाओ पढ़ लेगा। मैं उसका अपना कैसे सच से रूबरू कराऊं उसे? कैसे? मजीरो! मेरी जो असलियत है वो जो है सबके सामने आ गई है कि मैं जो है कोई खान सामा नहीं हूँ, मैं कोई बावर्ची नहीं हूँ, मैं बल्कि अली हूँ और छोटे कोतवाल हूँ, जो मतलब अपना भेस बदल के महल में घुसा हुआ था और सबके ऊपर निगरानी रखा हुआ था और मर्जीना को यहाँ से लेके जाने वाला था। तो शहजादे को ये बात पता चल गई और मुझे ये सज़ा सुना दी है। हाँ, मतलब अब जेल तक पहुँचने का सफ़र थोड़ा लंबा था क्योंकि पहले मैं उस हैवान से लड़ता हूँ, फिर मुझे शहजादे भी थोड़ा पीटते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों के होने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। आई थिंक ये मतलब जो आगे क्या मुझे भी नहीं पता अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत बीच से एक सीन कर रहे हैं, बट या एक्चुअली पहले बहुत कुछ हुआ है। हैवान से लड़ाई भी हुई है और शहजादे ने भी मुझे बहुत मारा है, मर्जीना ने भी मुझे मारा है, तो काफ़ी चीज़ें हुई। ऐसा लग रहा है मैं मालदीव्स में आया हुआ हूँ और बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत मतलब अभी ये तो सिटी है हमारा और किसी को अच्छा नहीं लगता। बाकी देखते हैं, निकलता हूँ यहाँ से। मजे कितने कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब अपने सो लोग हैं, सब साथी और मतलब एक दूसरे से मस्ती मजाक चलती है हमेशा सेट, तो इस वजह से बहुत मज़ा आता है। जेल के अंदर है, जेल के बाहर हम सेट के अंदर तो हमेशा ही रहते हैं, तो सबके साथ एक बॉन्ड है मेरा, तो सबके साथ बहुत मज़ा। फैंस में बस यही बोलना चाहूँगा कि आप सबने हमारे शो को बहुत प्यार दिया है। अब हमारा शो जो है 8 बजे से 7 बजे हो गया है, तो आप अपना प्यार दुगना कर दीजिए और हमें और ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हम और ज़्यादा मेहनत के साथ आपको रोज़ रखें।